गाइस मैं टोर सुनने लग रहा, आपको बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है या उसे कुछ साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ये चैनल, ये वीडियो सब कुछ आपके लिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के साथ दूसरी थेरेपीज देते रहे, तो सबसे बड़ी बात होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं इस चैनल पर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही आती है कि जब बात होती है कि बच्चा सब कुछ सीख चुका है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, खुद से ऑर्गेनाइज करके बातें नहीं करता, तो यहां फिर आप कहीं कुछ कमी महसूस करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग से ही सेंसरी इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन। बेसिकली हमारी सेंसेस होती है 5, जिसके बारे में बार बार बात करता हूं, जिसमें आ जाती है हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जब आप अपने बच्चे को ट्रेन करते हैं, तो अगर आप ये सारी की सारी सेंसेस हर चीज में साथ साथ यूज करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप एक ही सेंस पर रिलाई करते हैं। ये देखो ये क्या है, बोलो मैंगो, तो मैंगो बोल दिया। ये क्या है, एप्पल, एप्पल बोल दिया। ये क्या है, काओ, आपने उसका पिक्चर दिखाया काओ का, काओ बोल दिया। अब उससे क्या हो रहा है कि उसको पता नहीं कि मैंने टच नहीं किया, काओ को टच कैसे करें, काओ को फील कैसे करें, काओ की ऐसी स्मेल आती है, काओ ऐसी होती है। तो काओ का 3-डायमेंशनल पिक्चर उसके ब्रेन में कभी भी नहीं बनेगा। उससे क्यों पिक्चर दिखाएंगे, ये काओ होती है, मान लीजिए उसमें व्हाइट कलर का काओ है, तो व्हाइट कलर की काओ, काओ कई रंगों की होती है, व्हाइट की भी हो सकती है, वो ब्राउन भी होती है, वो ब्लैक भी होती है, 2-3 तरह की काओ होती है। तो जब आप काओ का एक पिक्चर दिखाते हो, उसमें एक व्हाइट काओ अपने बच्चे को दिखाए, तो वो उस चीज को ही रिलेट करेगा, उसको एसोसिएट नहीं करेगा दूसरी चीजों से। तो एसोसिएशन बहुत, लर्निंग के लिए क्या होता है कि जब आप किसी बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मैंगो सिखाया, अब मैंगो की एक सर्टन शेप, मैंगो की वेराइटीज तो 250 होती है, लेकिन मैंगो कुछ लाल रंग के मैंगोज होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के मैंगोज होते हैं, कुछ येलो कलर के मैंगोज होते हैं, तो अलग अलग मैंगोज होते हैं। लेकिन वो एक तरह के मैंगो को देख करके बोलेगा इसको मैंगो बोलते हैं, वो दूसरे मैंगोज से उसको एसोसिएट नहीं कर रहा। तो जब आप मैंगो को सिखाना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ओरिजिनल मैंगो आपके सामने होना चाहिए। ओरिजिनल मैंगो को लेकर के चलो 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 फ्रिज से मैंगो लेकर के आते हैं, चाहिए फ्रिज से मैंगो निकाले उसके सामने, आओ मैंगो को कट करेंगे। मैंगो को कट किया, चलो मैंगो को टेस्ट करेंगे। अब मम्मा मैंगो खाएगी, पापा मैंगो खाएंगे, वाओ मैंगो इज वेरी स्वीट। तो जब आपने ये किया, तो उसमें मैंगो दिख रहा है, मैंगो सुन रहा है, मैंगो को टेस्ट कर रहा है, मैंगो को स्मेल कर रहे हैं, मैंगो को टच करके देख रहे हैं, तो सारी चीजें बीच में आ जाती है। अगले दिन आपने डिफरेंट कलर का मैंगो ले लिया, उसके बाद डिफरेंट, ताकि उसको पता लगे, फिर वो उसका ब्रेन एसोसिएट करना सीखते हैं कि अगर इतने थोड़े वो चेंजेस इन चीजों में हैं, फिर वो उसका एक लॉजिकल थिंकिंग शुरू होता है कि ये भी मैंगो हो सकता है, ये भी मैंगो हो सकता है, ये भी मैंगो हो सकता है। बट अगर आप उसको एक सर्टन तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, एक सिंगल तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, तो सेंसरी इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता। उससे सिर्फ उसने सुन लिया कि इसको मैंगो बोलते हैं, उसने बोलना शुरू कर दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन उसने रिलेट नहीं किया। जब वो किसी और कलर के मैंगो को देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इन बच्चों की सेंसेस को आपको ड्रिल करना पड़ता है, इन बच्चों की सेंसेस को आपको एक्टिव करना पड़ता है। ये मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस बताया, जिसके जरिए आप अपने बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन किसी भी चीज में सिखा सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में सिखा रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट है, चाहे वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट है, चाहे आप उसको कलर्स का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, बर्ड्स का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, एनिमल्स का कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, कोशिश ये करें कि उसको लाइव एग्जाम्पल दें, यानी सामने से सही अच्छी चीज और ओरिजिनल चीज, नेचुरल चीज दिखाएं, बजाय कि पिक्चर्स दिखाने के। जब आप पिक्चर्स दिखाते हैं, ब्लॉक्स देते हैं बस, क्योंकि जब आप काओ की पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे हम बचपन में क्या होता था, देखते थे अपने बच्चों को, कभी आप जू में ले जा रहे हैं, कभी कहीं ले जा रहे हैं, तो लर्निंग का सोर्स होता था। उसने लाइव सामने से देखा, उसने कि यार ये एनिमल ये चीज होती है। एक होता है आपने पिक्चर में टाइगर दिखा दिया, बात खत्म हो गई,
तो ऐसे आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइव एग्जाम्पल अपने बच्चे को दीजिए जब भी देते हैं, और कोशिश करिए कि वो उन सब चीजों को टच और फील कर सके जो चीजें आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और नेचुरल चीजों से सिखाइए बजाय कि किसी ब्लॉक से आप सिखा रहे हैं, किसी टॉय से आप सिखा रहे हैं, कोई पिक्चर कार्ड देकर के आप सिखा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि लाइव चीजों से सिखाएं ताकि सेंसरी इंटीग्रेशन इंप्रूव हो सके। यानी सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा पांचों सेंसेस को जोड़ करके बच्चा लर्निंग करेगा तो उसे लॉजिकल थिंकिंग भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, और कल के दिन उसको रेपिटेशन की आदत नहीं पड़ेगी। उसको ये पता होगा कि ये चीज ये है, इसका ये फंक्शन है, इस चीज का ये फंक्शन है। सो सेंसरी इंटीग्रेशन को आपको ऐसे सिखाना। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर कीजिए यार। बाय बाय।